हाय फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार। आज हम आप लोग को यह बताने जा रहे हैं कि रेलवे ग्रुप की परीक्षा जो 2018 में मैंने दिया था उसमें मैम ने कितना मार्क्स स्कोरिंग किया था और उसे के सफलता के लिए हमने क्या रणनीति अपनाया था, और वही तरीका हम आपको भी बताना चाहेंगे कि कैसे आप लोग इस तरीका से आप लोग तैयारी करके आने वाला जो एग्जाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आप लोग आसानी से आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं मिशन 99 बैच पर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और शेयर भी करें ताकि आप लोग इस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सब आते हैं फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको कि हमने उस परीक्षा में कितना मार्क्स स्कोरिंग किया था। तो फ्रेंड्स, मेरा उस परीक्षा में मैथ में 70 मार्क्स, साइंस में 19, रीजनिंग में 21 और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स में 4 मार्क्स आया था। बहुत कम आया था, जनरल अवेयरनेस में मेरा बहुत ही कम मार्क्स आया था, 4 आया था, और मेरा टोटल मार्क्स 61 आया था और मेरा रॉन्ग हो गया था, वही 12 क्वेश्चन में रॉन्ग हो गया था। वही अगर निगेटिव काट कर मेरा रॉ मार्क्स से रॉ मार्क्स की बात किया जाए तो मेरा 57 आया था, 4 नंबर कट जाता है, तो मेरा 57 आया था। और मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स आया था फ्रेंड्स, नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा 79 आया था, मतलब इसमें मेरा नॉर्मलाइज में मेरा 22 मार्क्स बढ़ा था। तो इसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया था इसके बारे में आप आपको जा रहे बता दें। देखिए, हमने मैथ के लिए कुछ खास से तरीका बनाए थे। जैसे आपको मैथ के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास 7 का, 8 का, 9 का और 10th का, ये सबका आपका एनसीईआरटी बुक्स बना देना है। अगर एनसीईआरटी और बना जाता है और आपको भारतीय भवन भी आता है तो उसको भी आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपको मैथ के लिए। यही तरीका हमने अपने भी अपनाया था। साइंस के लिए भी आपको भारतीय भवन बुक्स के आपको आपको साइंस के लिए 8th, 9th, 10th का आपको अच्छा से पढ़ जाना है। बायोलॉजी के लिए सबसे बेटर है, बायोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 9th, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 9th से। इसके लिए आप लोग भारतीय प्रकाशन की बुक का यूज कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी आपको भारतीय भवन बुक से अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। आप लोग अगर 9th और 10th का अगर आप लोग अच्छा से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं साइंस का बुक से, पहले बुक पर ध्यान दीजिए और बुक से अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं 9th